जिला सोलन के उपमंडल ताराघाट में हाई टेंशन बिजली की चपेट में आई 10 वर्षीय निरुपमा को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। हाई वोल्टेज करंट से अपना दाहिना बाजू गवा चुकी निरुपमा को हिमाचल बचाओ मंच के संस्थापक एस कुलेरिया की अध्यक्षता में धर्मशाला पहुंची निरुपमा ने अपना दर्द व्यक्त किया। इस दौरान निरुपमा के साथ उनके पिता राजेश और नाना छोटे राम और मनवीर भी उनके साथ पहुंचे थे। निरुपमा के पिता राजेश ने बताया कि उनकी बेटी 10 फरवरी 2018 को बच्चों के साथ खेल रही थी और 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन की चपेट में आ गई और पीजीआई चंडीगढ़ में उसका हाथ काटना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उनकी मासूम बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा होने की करीब 4 माह बीत जाने के बाद भी कोई नेता उनकी मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब तक जिला प्रशासन ने उनकी बेटी की कटी हुई बाजू की कीमत 15,000 रुपए लगाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी अब उनके परिवार पर मामले को दबाने का दबाव बना रहे हैं। मौके पे था नहीं, मैं जरा गाड़ी लेके गया था तो मेरे ससुर ने मेरे को फोन किया, भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ, लड़की का ऐसा हो गया। वहाँ से ले जाने के बाद सर मैं अपने लाले को बोला, मैं कहा ऐसा से लड़की उसे ही गाड़ी यहीं रखता हूँ, गाड़ी वहीं रख के सर कार मांग के लिया, कार मैं वहाँ पे लाइव लाइन ले गया। वहाँ से उन्होंने मारा जब पर्ची कर दी, पर्ची करने के बाद फिर वहाँ से शिमला रेफर कर दिया। तो अब बच्ची को मतलब तकलीफ तो काफ़ी होती है? हाँ जी सर, तकलीफ होती है। फिर तो मतलब शिमला ले गया सर, शिमला से फिर 5 दिन शिमला में रहे, उसके बाद पीजीआई रेफर, पीजीआई रहे 10-15 दिन, उसके बाद फिर थोड़ा डॉक्टर ने छुट्टी दे दी सर घर पे, तो अभी भी इलाज करा रहे पीजीआई के, हर हफ्ते ले जा रहे हैं पीजीआई पे। सरकार ने क्या मदद किया? सरकार ने कुछ नहीं, और किसी एसडीएम ने की थी 10-15 हज़ार का मदद जी, बाकी और किसी ने किया आज। अच्छा, एसडीएम की तो और से मिली मदद, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद? सरकार की ओर से कोई नहीं, और एसडीएम को 15 हज़ार। तो क्या हुआ था अचानक से करंट लगा, फिर दीदी और मासी रोते रोते नीचे गए, मम्मी और नानी जी को बुलाया, फिर मेरे को हॉस्पिटल ले गए। हिमाचल बचाओ मंच के संस्थापक एसएस कुलेरिया ने कहा कि मंच पहले भी करंट से अपने दोनों बाजू गुबा चुके नवल कुमार की लड़ाई को कोर्ट में जीतकर उसे 1,25,00,000 रुपए का मुआवजा दिला चुके हैं। इसके अलावा चंबा जिला से संबंध रखने वाले अजय को भी इंसाफ दिलाने में प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी कोई सरकारी मदद पीड़ित मासूम निरुपमा को आज दिन तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल बचाओ मंच निरुपमा को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा लेगा। सर, हिमाचल बचाओ मंच को जब ये पता लगा निरुका का के साथ 11,000 वोल्ट की तारों की चपेट में आई है, तो हमने प्रयास किया, और हम पहले भी क्योंकि चुबाड़ी का जो रोहित और नवल कुमार उसका केस हम उठा चुके हैं, कोर्ट के थ्रू हम उसको केस को उस बच्चे को न्याय दिला चुके हैं। तो अब हम क्योंकि इसने अपना सीधा हाथ खोया बच्ची, और सीधा हाथ खोने का मतलब है कि बच्ची का सारा भविष्य अंधकारमय हो जाता है अगर इसको अब सरकार कोई हेल्प नहीं किया, और मात्र जो हल्का फुल्का सा ही देकर डालने वाली बात हो रही है। अब हम इस परिवार को और निरुका को जो न्याय दिलवाएंगे वो हम कानूनी सहायता और कोर्ट के माध्यम से रोहित कुमार का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने जीता था उसका रेफरेंस देते हुए निरुका को न्याय दिलवाएंगे, और जो भी माननीय हमारे कानून व्यवस्था और कोर्ट जो हमें डिसाइड करेगा हमें वो मानिए।